हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को आरआरटीएस की अपडेट दूंगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लेके मोदी नगर साउथ का जो स्टेशन बन रहा है, इसके बीच में कितना काम कंप्लीट हो गया और मोदी नगर साउथ के स्टेशन से लेके ईस्टर्न पेरिफेरल की जो अपडेट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इसको क्रॉस करने के बाद मेरठ वाली साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ये पहला पिलर है जो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। ऊपर की साइड में यहाँ पे पिलर कैप का काम चल रहा है अभी। और यहाँ से आगे की साइड में, मेरठ वाली साइड में, अभी यहाँ पे कोई भी पिलर बन के रेडी नहीं हुआ है, काम स्टार्ट हो गया इधर। और मोदी नगर साइड में देख सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके ये पिलर्स हैं जो यहाँ पे बन के रेडी हो गए। लेकिन आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे प्लर्स तो बन के रेडी हो गया लेकिन ऊपर की साइड में अभी प्लर कैप का काम होना है। और थोड़ा और आगे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे प्लर जो है पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए। और सामने की साइड में आ गया मेरठ साउथ का स्टेशन। तो ये पहला स्टेशन होगा जहाँ पे आपको आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो दोनों मिलेंगी इस साइड से। तो इस साइड में देख सकते हो, यहाँ पे कॉनकोर्स लेवल जो बनाने का काम है वो यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड से चल रहा है और पिलर्स को ऊपर की साइड में एक्सटेंड भी किया जा रहा है। और स्टेशन से निकलने के बाद के जो पिलर्स है उनको देख रहे हो, यहाँ पे आपस में अब कनेक्ट कर दिया गया है। और आगे आने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे ये पिलर्स हैं जो यहाँ पे रेडी हो गए, बस ऊपर की साइड में अभी यहाँ पे इनको आपस में कनेक्ट करने का काम रह गया है। और अभी तक जो पिलर्स थे वो रोड के लेफ्ट साइड में और सेंटर में थे, लेकिन यहाँ से अब पिलर्स जो है रोड के बीच में रहेंगे सिर्फ। और ये जो रोड के बीच में अभी यहाँ पे पिलर्स आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से देख सकते हो यहाँ पे बन के रेडी हो गए, बस इनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम रह गया है। और ये आ गया EDFC, तो RRTS इसको ऊपर से क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो EDFC पे यहाँ पे ट्रैक बिछा दिया गया है, तो इसकी भी मैं आप लोगों को अपडेट जल्द ही दूंगा। और यहाँ से आगे वाली साइड में भी देख सकते हो, जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए, बस इस साइड में इनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम रह गया। और यहाँ पे अभी कोई लॉन्चर नहीं लग रहा है। प्लर्स जो है वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए और ऊपर की साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ये लॉन्चर लग रहा है जो बढ़ रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन की साइड में। तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये जो लॉन्चर है ये मेरठ साउथ के स्टेशन तक प्लर्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। और यहाँ से आगे वाली साइड में ये अच्छा खासा वायडक्ट बन के रेडी हो गया है। रेडी हो गया वायडक्ट और ऊपर की साइड में यहाँ पे लॉन्चर लग रहा है जो बढ़ रहा है आगे की साइड में, मतलब मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन की तरफ। तो आगे की साइड में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये जो प्लर्स हैं
ये यहाँ पे बन के रेडी हो गया, बस इनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम रह गया। पीछे की साइड में जो लॉन्चर गया वो इनको जल्द ही कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे आके लग रहा है ये एक और लॉन्चर, तो ये जो अभी पीछे की साइड में पिलर्स गए थे ये उनको जल्दी ही कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो पिलर्स बनाने का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस कुछ पिलर्स रह गए जो अभी रेडी नहीं हुए, और सेम कुछ पिलर्स रह गए जिनके ऊपर पिलर कैप का काम रह गया बस। और यहाँ से आगे वाली साइड में देख सकते हो अभी यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो रेडी नहीं हुए, बस ऊपर की साइड में पिलर कैप का काम रह गया। तो इसीलिए वो जो लॉन्चर है वो मेरठ साउथ के स्टेशन की साइड में जा रहा है, ना कि मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन की साइड में, क्योंकि इस साइड में जो अभी पिलर्स का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन, और ये वाला जो पिलर होने वाला है ये लास्ट पिलर होगा इस स्टेशन का, जहां पे आर्म्स को बाहर की साइड में एक्सटेंड किया जाएगा, और आगे की साइड में देख सकते हो यहां पे अब प्लस पे आर्म्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन अभी यहां पे ये जो आर्म्स को एक्सटेंड किया गया ये कॉन्कोर्स लेवल के लिए ही किया गया है। और यहां पे ये लॉन्चर लग रहा है जिसने स्टेशन का ये जो वायडक्ट है ये यहां पे कंप्लीट कर दिया है। आपको इस एंगल से और अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पे अभी जो आर्म्स को एक्सटेंड किया गया है वो कॉन्कोर्स लेवल पे ही किया गया है। और आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के लिए भी आर्म्स को अब ऐड किया जाएगा, और मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के बाद के जो प्लेयर्स हैं अभी वो यहाँ पे देख सकते हो बनना स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे प्लस की पाइलिंग का यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। आगे की साइड में प्लस की फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है, और आपको ऊपर की साइड में सरियाओं का जाल नजर आ रहा होगा। यहां से आगे वाली साइड में प्लस की फाउंडेशन का काम तो हो गया, बस अभी ऊपर की साइड में पिलर रेडी करने हैं फ्रेम लगा के कॉन्क्रीट डाल के। और यहाँ पे प्लस इसलिए रेडी नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो लेट स्टार्ट हुआ था। और आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पिलर्स रेडी हो गए, बस ऊपर की साइड में अब पिलर कैप का काम रह गया। इस पिलर पे देख सकते हो यहाँ पे पिलर कैप का काम चल रहा है, और यहां से आगे वाली साइड में अब यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से बनके रेडी हो गए हैं। कुछ ही पिलर्स हैं जो यहाँ पे पूरी तरीके से बनके रेडी हुए हैं, क्योंकि देख सकते हो आगे की साइड में अब यहाँ पे ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर पिलर गैप का काम रह गया है। मोदी नगर साउथ के स्टेशन से पहले देख सकते हो यहाँ पे ये पिलर्स हैं जो बन के रेडी हो गए, बस ऊपर के साइड में पिलर कैप का काम रह गया। आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ये पिलर्स हैं जिनके ऊपर पिलर कैप का काम कंप्लीट हो गया। ये है वो वायडक्ट जो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है।
यहीं तक ही वायडक्ट बना है, ऊपर की साइड में लॉन्चर लग रहा है और यहाँ से आगे वाली साइड में जो पिलर्स है वो बन के रेडी हो गए। चलो मैं आपको ड्रोन शॉट से दिखाता हूँ ये एरिया। अब ये रहा वो लॉन्चर जो यहाँ पे लग रहा है और यहाँ से आगे वाली साइड में देख सकते हो ये जो पिलर्स है ये यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए। और ये आ गया मोदी नगर साउथ का स्टेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पहला पिलर है जिसपे आर्म्स को बाहर की साइड में एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये दूसरा पिलर होने वाला है जहां पे आर्म्स को बाहर की साइड में एक्सटेंड किया जा रहा है। और यहां से आगे वाली साइड में अभी पिलर्स बनाए जा रहे हैं और स्टेशन के बाद के जो पिलर्स होंगे वो देख सकते हो यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी पिलर कैप का काम होना है। तो बस इस वीडियो करते यहीं पे खत्म। यहाँ से आगे की जो अपडेट है वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स की रेगुलर अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।